हेलो स्टूडेंट्स, तो जो हमने अभी पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज का सेकंड पॉइंट था हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन के टर्म्स में देखो, अगर हम हैलोजिनेशन के टर्म्स में रूल है रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल, किसके लिए? फॉर एल्केन। तो इसको हैलोजन के टर्म्स में देखेंगे और एल्केन के साथ। तो जैसे देखो रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो ज्यादा रिएक्टिव होगा तो उसकी सिलेक्टिविटी क्या होगी? लो सिलेक्टिविटी हो जाएगी। अगर सपोज करो आपको कोई पेन चाहिए, अर्जेंटली अभी आपको पेन चाहिए लिखने के लिए, एग्जाम होने वाला और आपको पेन चाहिए, यानी कि आपकी रिएक्टिविटी क्या हो गई? बहुत ज्यादा हो गई। तो अर्जेंट रिक्वायर्ड आपको, अगर अर्जेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्टिविटी हाई है, आपको बहुत ज्यादा अर्जेंट चाहिए। तो फिर आप देखोगे नहीं कि ये किस कंपनी का है, कितना अच्छा है कितना बेकार है, इससे आपको कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी रिएक्टिविटी जैसे ही हाई हुई, आप सिलेक्ट नहीं करोगे कि मुझे यही वाला पेन चाहिए, बस मुझे तो ये एक्स वाला पेन चाहिए, वाई वाला पेन चाहिए, मुझे तो ब्रांडेड चाहिए, मुझे तो यही कैटेगरी का चाहिए, आप सिलेक्ट नहीं करोगे वहां पे। अगर दुकान में जो पेन आप बोलोगे जो भी है उसे दे दो मुझे, अगर दुकान में एक पेन है तो आप वही पेन ले लोगे, यानी कि आप सिलेक्ट नहीं करोगे अगर रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो यही कहता है, देखो रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल, अगर रिएक्टिव ज्यादा है तो सिलेक्ट नहीं करेगा। और जिसकी रिएक्टिविटी कम है, इसका अपोजिट देखो, अगर लो रिएक्टिविटी हो गई, रिएक्टिविटी कम हो गई, तो क्या होगा? लो रिएक्टिविटी हो गई तो क्या हुआ? मोर सिलेक्टिव। जैसे आपने देखा होगा कई लोग दुकान में जाते हैं, उनको लेने से कोई मतलब नहीं होता, तो क्या करते, एक क्वालिटी मंगाएंगे फिर दूसरी क्वालिटी मंगाते। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट, कोई आइटम चाहिए होता है तो क्या होता है, आप लोग नहीं चाहिए मतलब आप वैसे ही चले गए, तो आप बोलोगे इसको एक क्वालिटी दिखाओ, फिर उसे देखोगे, फिर आप दूसरी क्वालिटी देखोगे, आप फिर तीसरी क्वालिटी देखोगे, फिर आपको बहुत ज्यादा कोई अच्छा लग गया तो आप खरीद लोगे बहुत ज्यादा। यानी कि सिलेक्टिविटी बहुत है, सिलेक्टिविटी, क्योंकि रिएक्टिविटी है ही नहीं ना, आपको इतनी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है ही नहीं, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा मिल गया तो बहुत अच्छा मिलेगा तो क्या होगा, आप उसे खरीद लोगे। यानी कि लो रिएक्टिविटी और मोर सिलेक्टिव। तो इसमें देखो दो कैटेगरी में बांट दी हमने, जो सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव कौन है आपका? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन देखता नहीं, तो देखो प्राइमरी का हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होते हैं इसीलिए वो देखेगा नहीं, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी। यानी यहाँ पे कौन सा फैक्टर काम करेगा? प्रोबेबिलिटी फैक्टर काम करेगा। जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, जिस टाइप के हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, जितना जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उसमें क्या होगा, वही सिलेक्ट करेगा। जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उसी वही रिएक्शन होगी, यानी वही सिलेक्ट किया जाएगा। अगर प्राइमरी हाइड्रोजन ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्राइमरी हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, प्राइमरी हाइड्रोजन के साथ जल्दी रिएक्शन होगी, फिर सेकेंडरी के साथ और फिर टर्शियरी के साथ। इसीलिए इसका ऑर्डर क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो जाता है। अब इसके अलावा आता है क्लोरीन का, सबसे मेन है क्लोरीन और ब्रोमीन का केस। तो पहले आयोडीन को निपटा देते हैं। देखो आयोडीन का भी फिक्स होता है, आयोडीन क्या होता है, लो रिएक्टिव होता है, और लो रिएक्टिव होगा तो उसका मतलब क्या हुआ, लो रिएक्टिव का मतलब हाई सिलेक्टिव, और जब सिलेक्टिव हाई हो जाएगा तो उसका है टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। क्यों? क्योंकि जो स्टेबिलिटी होती है वो टर्शरी की ज्यादा होती है, इसीलिए क्या करता है ये टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी, जो कॉन्सेप्ट है उसी पे चलेगा ये। जो कार्बोकैटायन होता है टर्शरी, वो ज्यादा स्टेबल होता है, कार्बोकैटायन बनेगा जो इसमें, या जो फ्री रेडिकल बनता है, जो फ्री रेडिकल होता है आपका, वो टर्शरी का ज्यादा स्टेबल होता है, इसकी स्टेबिलिटी है, इसीलिए वो उसी रूल को फॉलो करेगा। और सेम केस ब्रोमीन का भी यही है, ब्रोमीन का और आयोडीन का सेम है। अब क्लोरीन पे डिस्कस करेंगे। देखो क्लोरीन के केस में क्या होगा, क्लोरीन के केस में देखो क्लोरीन होता है ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव। अब अगर क्लोरीन रिएक्टिव ज्यादा हो गया, तो रिएक्टिव ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, रिएक्टिव ज्यादा होगा तो लेस सिलेक्टिव हो जाएगा,
ठीक है। अब इसको निकालने के लिए क्या है, मेथड्स दिया गया। देखो उन्होंने कहा कि 3 डिग्री हाइड्रोजन रेशियो 2 डिग्री हाइड्रोजन रेशियो 1 डिग्री हाइड्रोजन, इसका उन्होंने एक पैरामीटर दिया कि अगर हम जो इसका एक्चुअल में जो रिलेटिव रेशियो निकालते हैं, रिलेटिव रेशियो जो इसका होगा दैट इज 5.0 रेशियो 3.8 रेशियो 1.0, इसके बेस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए। ये डिपेंड होगा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हाइड्रोजन पे। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपके पास, देखो CH और यहाँ पे CH3 और CH3। अब देखो इसमें कितने टाइप्स के हाइड्रोजन है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, देखो सबसे पहले देखो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्राइमरी कितने हैं, सेकेंडरी कितने हैं और टर्शरी कितने हैं। तो ये वाला देखो ये है टर्शरी हाइड्रोजन और ये जो लगे हुए हैं ये है तीनों के तीनों प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पे इसका मतलब इसमें दो प्रोबेबिलिटी है बनने की, दो प्रोडक्ट इसके बन सकते हैं। कौन कौन से, देखो पहला प्राइमरी हाइड्रोजन निकलेगा और वहां पे Cl लग जाएगा। अगर मैंने Cl2 ऐड करवाया तो कहां पे लगेगा, एक तो प्राइमरी वाले केस में, तो यहां पे कहीं पे भी प्राइमरी को हाइड्रोजन को हटाओ और वहां पे Cl लगा दो, पहला केस। सेकंड केस कौन सा होगा, जो टर्शरी वाला है, टर्शरी वाले इस हाइड्रोजन को हटाओ और यहां पे Cl लगा दो, Cl। अब दिखने से क्या लग रहा है, देखो दिखने से लग रहा है कि ये टर्शरी टर्शरी फ्री रेडिकल है, यानी ये ज्यादा बनना चाहिए। लेकिन अब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे कि जो प्राइमरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है उसकी परसेंटेज कितनी होगी, ट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। परसेंटेज निकालने का तरीका देखो, प्राइमरी के देखो कितने हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें देखो 3+3 6+3 9 यानी 9 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई बाय देखो उसका रेशियो कितना है 1, तो 1 = 9। तो ये पहला पॉइंट हो गया, 9 × 1 = 9। अब देखो टर्शरी का सब्स्टिट्यूटेड कितना होगा, तो टर्शरी के लिए देखो टर्शरी की वैल्यू कितनी है यहां पे 5, टर्शरी की रिलेटिव वैल्यू कितनी दे दी है 5, तो 5 × टर्शरी के हाइड्रोजन कितने, देखो टर्शरी के हाइड्रोजन 1 है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी केवल एक ही जगह पे, तो ओवरऑल कितना हो गया 5। अब इन दोनों को प्लस कर दो कितना हो गया 14। अब मैंने बोला कि अगर जो प्राइमरी के जो प्रोडक्ट बनेंगे उस कितने परसेंटेज बन सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, जितना इसका नंबर आया 9/14 × 100, क्योंकि परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 64% अप्रोक्सीमेट। और जो 3 डिग्री का जो प्रोडक्ट है उसका परसेंटेज कितना आएगा, तो इसका कितना वैल्यू देखो 5/14 × 100 यानी 36%। यानी मेजर कौन बन रहा है, देखो मेजर बनेगा प्राइमरी वाला, ये मेजर बन रहा है आपका, और मेजर कितना बनेगा, ये बनेगा आपके पास 64%, और ये क्या बन गया देखो माइनर बन गया 36% माइनर, तो ये अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये देखो आंसर को आपको दिखने से लगेगा आप तो टिक करके आ जाओगे कौन सा मेजर बनेगा, आपने एकदम से देखा टर्शरी और टिक करके आ गए, तो क्या होगा आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है क्लोरीन के केस में क्या होगा, आपको इस तरीके से चेक करना है। और एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, एक देखो एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूं मैं जिसमें तीनों होंगे, जैसे मैंने लिखा CH3 प्राइमरी हो गया, देखो एक टर्शरी भी बना दिया मैंने यहां से, ठीक है, और इसको यहां से मैंने क्या किया, ये टर्शरी भी बन गया और यहां से मैंने एक सेकेंडरी भी बना दिया, ठीक है। अब देखो ये आपका टर्शरी हो गया, ये प्राइमरी हो गए, ठीक है, प्राइमरी और टर्शरी पहचान में आना चाहिए, और ये सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी का मतलब 2 कार्बन सेट है, प्राइमरी का मतलब केवल 1 ही कार्बन सेट है, और ये भी प्राइमरी हो गया। अब आपको बोला जाएगा कि कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, तो देखो ऑब्वियस बात है यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बनेंगे 3 कैटेगरी के, क्योंकि हमारे पास 3 टाइप के क्या है,
टाइप के हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन का है क्या, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। देखो प्राइमरी वाले कितने हाइड्रोजन है, देखो यहां से तीन इसके हो गए, तीन ये हो गए छह, और तीन ये हो गए कितने हो गए, तीन और तीन छह और तीन नौ और तीन बारह, तो यहां पे बारह, ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय कितना वन, तो इसका हो गया ट्वेल्व, प्राइमरी के लिए ट्वेल्व आ गया। सेकेंडरी के लिए देखो सेकेंडरी में कितने हाइड्रोजन है, सेकेंडरी में यहां पे टू हाइड्रोजन, टू, तो यहां पे हो गया टू इंटू, अब सेकेंडरी की वैल्यू कितनी थी 3.8, थ्री टू जा सॉरी एट टू जा 16 और थ्री टू जा 6 और 1 7, और टर्सरी कितना है यहां पे है ही नहीं, देखो कोई हाइड्रोजन नहीं है टर्सरी का, तो यहां पे जीरो, यानी टर्सरी की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है। तो इन दोनों में से होगा, परसेंटेज निकाल सकते हो आप आराम से। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो इन दोनों को प्लस कर दो, 12 प्लस 7 19.6, तो टोटल हो गया इन दोनों को प्लस करके 19.6। अगर मैंने कहा प्राइमरी की परसेंटेज बताओ, 12 अपॉन 19.6 इंटू 100, और अगर मैंने कहा सेकेंडरी की परसेंटेज बताओ कितनी बनेगी, तो सेकेंडरी के लिए क्या बनेगा, 7.6 अपॉन 9.6 19.6 इंटू 100। तो इससे आप परसेंटेज निकाल सकते हो, कोई भी कंपाउंड लो एक्स वाई जेड, और उसमें देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, उसके बेस पे आप उसकी परसेंटेज को निकाल सकते। तो यहां पे उन्होंने क्या किया, ये तो क्लियर हो गया क्लोरीन वाला, ब्रोमीन के लिए भी उन्होंने रेशियो दे दिया। उन्होंने क्या कहा, टर्सरी हाइड्रोजन होगा और ये सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा और प्राइमरी हाइड्रोजन होगा। अगर ब्रोमीन का केस होगा तो इसके लिए होता है 1682 and 1, तो ये क्या हो गया आपका रेशियो दे दिया उन्होंने हाइड्रोजन के बेस पे। अब आप निकाल सकते हो किसी का भी, जैसे मैंने कहा आपको सपोज करो CH3, CH2, CH2 and CH3, ठीक है। अब यहां पे मैंने ब्रोमीन को ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो यहां पे देखो ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है और प्राइमरी है, यानी इसमें दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, एक प्राइमरी वाला एक सेकेंडरी वाला। फिर इसे कैलकुलेट करो, देखो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 3 = 6, तो 6 इंटू प्राइमरी की वैल्यू 1 है। अब देखो सेकेंड है सेकेंडरी, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 + 2 यानी 4 इंटू 82, तो 82 कितना हो गया, 4 टू जा 8 और 8 इंटू 4 कितना हो गया, 32 हो गया। अब परसेंटेज निकालो, प्राइमरी प्रोडक्ट कितने बनेंगे, उसकी परसेंटेज क्या होगी, इसकी परसेंटेज प्राइमरी प्रोडक्ट की परसेंटेज कितनी होगी, 6 अपॉन इन दोनों को प्लस कर दो, 8 + 6 = 14 यानी कि 334 × 100। और सेकेंडरी प्रोडक्ट का परसेंटेज कितना होगा, ये होगा आपका 328 upon 334 × 100, तो लगभग 99% के आसपास आएगा या 98%। तो देखो पहला प्रोडक्ट क्या, प्राइमरी वाला, प्राइमरी वाले में लगा दो, देखो CH3, CH2, CH2 and CH2Br, यानी प्राइमरी वाले कार्बन पे मैंने Br लगा दिया, तो इसकी परसेंटेज लगभग 2%, इसका आंसर आएगा लगभग 2%। सेकेंड मैंने कहाँ लगाया, सेकेंडरी पे लगाऊंगा, तो CH3, CH और यहाँ सेकेंडरी पे लगा दिया। तो जनरली सेकेंडरी क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, इस केस में भी वही है 98%, यानी सेकेंडरी मेजर बनेगा और प्राइमरी माइनर बनेगा। लेकिन क्लोरीन का केस क्या है, अलग है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है क्लोरीन, ठीक है। तो इसे कहते हैं रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल, तो फुली समझ में आया होगा। इससे आप किसी भी कंपाउंड के प्रोडक्ट को बता सकते हो कि कितने टाइप्स के प्रोडक्ट बनेंगे और उसमें कितना परसेंटेज बनेगा, तो दोनों के दोनों आप इजीली क्या कर सकते हो, इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये वाला जो हैलोजिनेशन का टॉपिक है ये आपका फिनिश होता है। इसमें एक चीज का अगर ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट दे दिया, जैसे ये दे दिया आपको, और यहां पे फ्लोरीन के साथ क्या दे दिया, लाइट दे दी, फ्लोरीन ऐड कर दिया और लाइट दे दी, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा, प्राइमरी की कंडीशन सबसे ज्यादा होगी।
और अगर यही प्रोडक्ट है और इसके साथ क्या दे दिया, क्लोरीन दे दिया, तो आपको दो टाइप के अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। ऐसे अगर आपको ब्रोमीन दे दिया तो आपको दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन दोनों की परसेंटेज क्या होगी, अलग अलग परसेंटेज होगी। इसमें भी दो बनेंगे लेकिन दोनों की परसेंटेज क्या होगी, डिफरेंट होगी, जो आपको मैंने रूल बताया हुआ है। और आयोडीन के केस में जनरली क्या होगा, सेकेंडरी ही बनेगा, क्योंकि सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है टर्सरी से। थैंक यू।